चुका उससे लड़ने की बात, लेकिन सियासी रण की अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी की सियासत में ऑफिशियल एंट्री के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा जोश दिखाई दे रहा है और खास तौर पर पार्टी के यूपी कार्यकर्ताओं का उत्साह तो देखते ही बन रहा है। वहीं उत्साह भी ऐसा कि कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाकर योगी आदित्यनाथ को ही चुनौती दे डाली। ये पोस्टर लगा है योगी के गढ़ में, चुनौती दे रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखनाथ पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ को, चिढ़ा रहा है भगवा पार्टी के उस अति आत्मविश्वास को जिसमें गोरखपुर को योगी का गढ़ कहा जाता है। ये पोस्टर योगी के गढ़ से कांग्रेस के पूर्वांचलियों की ललकार है। लक्ष्मीबाई के अवतार में प्रियंका गांधी का पोस्टर कह रहा है कि गोरखपुर की यही पुकार, प्रियंका गांधी सांसद इस बार। प्रियंका गांधी की राजनीति में आधिकारिक एंट्री ने मानो यूपी में कांग्रेस के सोए कार्यकर्ताओं को संजीवनी बूटी दे दी हो। चारों तरफ जश्न और उत्साह। कोई करीना कपूर का नाम चलाता है, कोई सलमान खान का नाम चलाता है, प्रियंका जी को ले आते हैं। इसका मतलब यह है कि राहुल जी के नेतृत्व के प्रति एक आत्मविश्वास होना चाहिए, वो आत्मविश्वास नहीं है। इससे उनके आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि उनके पास लीडर है। वह चॉकलेटी चेहरे के माध्यम से चुनाव में जाना चाहते हैं। इधर चेहरों के आधार पर इस देश के लोगों से वोट नहीं लिया जा सकता है, और यदि वो ऐसा सोचते हैं कि प्रियंका गांधी बहुत सुंदर है इसलिए वो राजनीति में आ गई तो सारा सीट जीत जाएंगे, इसलिए वो मुगालते में हैं। लोकतंत्र परिपक्व होने की ओर है भारत का, और ऐसा निर्णय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जो कांग्रेस के नेता के रूप में जिनका अवतार हुआ है वो अपनी जमानत नहीं बचा पाए। अकेले मोदी जी से मुचेटा नहीं ले सकते, और बाकी जितने भी नेता हैं जो अपनी इनके पास जितनी हैसियत नहीं है कि अपनी जमानत बचा। एक तो उसको एक बीमारी है जो सार्वजनिक जीवन में अनुकूल और उपयुक्त नहीं है, वो है उसको बाइपोलैरिटी कहते हैं। यानी उसकी कभी हिंसावादी चरित्र दिखाई पड़ती है और लोगों को पीटती है, क्योंकि एसपीजी लोगों ने बहुत मेरे से कई लोग मिलकर ट्रांसफर मांगी थी, अब वो निजी जीवन में थी तो मैंने ये बोला नहीं। सियासत में प्रियंका की एंट्री ने जहां कांग्रेस में ऊर्जा का संचार किया है, तो दूसरी ओर समूचा विरोधी धड़ा सियासत की सबसे पुरानी पार्टी की नई खिलाड़ी से दो दो हाथ करने को लेकर बनी हुई रणनीति को नए सिरे से गढ़ रहा है। अनर्गल बयानबाजी हो रही है, कैलाश विजयवर्गीय से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी तक एक से बढ़कर एक, और ये सब तब हो रहा है जब प्रियंका ने अभी कमान संभाली भी नहीं है। देखिए, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब से प्रियंका जी की घोषणा हुई है कि राजनीति में आएंगी, तब से सबसे ज्यादा भाजपा क्यों परेशान है, बीजेपी इतनी क्यों परेशान है कि सब नेता रोज उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं और ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस भाषा को कोई भी जो है सहन नहीं कर पाता है, और देश की जनता भी सहन नहीं करती ऐसी भाषाओं। मेरा ये कहना है कि ईश्वर के प्रदत्त मानव होता है, ईश्वर बनाता है मनुष्य को। यदि हम अब शब्दों में बात करें कि चिकने चुपड़े चेहरे, अरे तुम सराहना करो कि ईश्वर ने उस हमारी प्रियंका गांधी को इतना सुंदर बनाया है, जिससे ममत्व झलकता है, जिसमें स्नेह झलकता है, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी गरिमा गिला और बीजेपी गिरा रही। इधर से वार हुआ तो उधर से पलटवार। कांग्रेस के सीनियर लीडर राजीव शुक्ला और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रियंका पर की गई टिप्पणी पर भाजपा को आड़े हाथों लिया है। प्रियंका अभी विदेश में है। जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी यूपी के सियासी कुरुक्षेत्र में 4 फरवरी को उतरेंगी। 4 फरवरी को लखनऊ पूर्वी यूपी के प्रभारी की जिम्मेदारी संभालेंगी प्रियंका। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 4 फरवरी को लखनऊ में राहुल प्रियंका की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सक्रिय सियासत में प्रियंका के आने से यूपी का रण दिलचस्प हो गया है। प्रियंका को दो मजबूत विरोधी खेमों के चक्रव्यूह को भेदना होगा। भाजपा और सपा बसपा गठबंधन के चक्रव्यूह को भेदना होगी चुनौती। प्रियंका यूपी में कांग्रेस की सबसे मारक योद्धा के रूप में उतर रही हैं।
कमान संभालने के बाद यूपी के नेताओं से मिल सकती हैं प्रियंका गांधी। 4 फरवरी के बाद प्रियंका पूर्वी यूपी के जिलों के दौरे शुरू कर देंगी। हर जिले के बूथ स्तर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से प्रियंका सीधे संवाद कर सकती हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर दिखेगा प्रियंका का दम। प्रियंका का कार्यकर्ताओं से संवाद यूपी की लड़ाई को त्रिकोणीय बना देगा। प्रियंका की एंट्री सिर्फ कांग्रेसियों को ही संजीवनी नहीं दे रही है, बल्कि प्रियंका में दिखने वाली इंदिरा की झलक और तेवर विरोधियों को बेचैन भी कर रहे हैं। मगर प्रियंका के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। संगठन की कमजोर सेना प्रियंका के लिए चुनौती साबित हो सकती है। भाजपा और सपा बसपा दोनों की ओर से कांग्रेस के इस ब्रह्मास्त्र को थामने का दांव अभी सामने आना बाकी है। प्रियंका के आने को लेकर भाजपा के तमाम दिग्गजों की आक्रामक प्रतिक्रिया से पार्टी की बेचैनी साफ दिख रही है। कांग्रेस के ब्रह्मास्त्र की सियासी किरणों को मंद करने के लिए भाजपा की ओर से जवाबी रणनीतिक दांव चला जाएगा। कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक के जवाब में बीजेपी जो दांव चलेगी, उसे थामना प्रियंका के लिए चुनौती होगा। भाजपा अयोध्या मंदिर मुद्दे को विमर्श के केंद्र में लाकर कांग्रेस और प्रियंका को घेरने की कोशिश करेगी। अयोध्या मसले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रियंका के लिए इससे जुड़े सवाल चुनौती बनेंगे। कांग्रेस प्रियंका के दम पर अकेले चुनावी मैदान में उतरती है तो सपा बसपा और बीजेपी को बराबर नुकसान हो सकता है। जाति आधार पर बंटे सामाजिक समीकरण में कांग्रेस को फिट करना बड़ी चुनौती है। भाजपा और सपा बसपा के अपने अपने सामाजिक समीकरणों का मजबूत चक्रव्यूह है। प्रियंका का सक्रिय राजनीति में आगाज तो हो चुका है, लेकिन देखना होगा कि अंजाम क्या होता है। लेकिन इतना तो है कि सूबे की सियासत ही नहीं बल्कि देश की सियासत में एक नए युग की शुरुआत हो रही है, जो आने वाले समय में चुनाव ही नहीं परिणामों को भी दिलचस्प बनाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।